अस्सलाम वालेकुम। जुलेखा की दुनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं शक्कर पाले बनाने जा रही हूँ। आप लोग भी देखिए मेरी तरह बनाइए। देखिए मैं एक गिलास मैदा ली हूँ शक्कर पाले के लिए। इसमें घी डालना है। कुमाइन करने के लिए घी डालना है। थोड़ी सी खाने वाली सोडा है वो डालूंगी। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छा से मिला लेना है घी में। अब इसको मैं मिक्स कर ली हूँ घी को अच्छा से। ये हो गई है मैं, देखिए ऐसे मुट्ठी बना रही है। अब इसको मैं सानूंगी थोड़ा थोड़ा पानी देके। ये कढ़ाई सनाएगी। देखिए मैं सान ली हूँ। इसको थोड़ा रेस्ट के लिए रख देती हूँ छिपा के। उसके बाद मैं बनाऊंगी। इसको छिपा के रख दी। शक्कर पाला के लिए ये आटा आधा घंटा हो गई है। मैं इसको बेलने जा रही हूँ शक्कर पाला बनाने के लिए। ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है ना पतला करना है, एक तरह का बनाना है, बेल लेना है। देखिए हो गई है, बेला गई है। मैं इसको काटूंगी और जैसा शेप देना चाहते हैं आप लोग वैसा दे सकती हैं। इसी तरह सारा को काट लेना है। उसके बाद तलते हैं तो मैं दिखाती हूँ। तेल में तल रही हूँ। हल्का हल्का गर्म हो गई है। मैं इसमें डाल रही हूँ धीमी आंच में है। धीमी आंच में बनाना है। थोड़ा ब्राउन हो जाती है तो मैं निकालूंगी। देखिए किस तरह फूला फूला हो गया है। देखिए हमारा शक्कर पाले तला रही है जब तक मैं इसका पाक बना लेती हूँ। देखिए चीनी ली हूँ, आधा गिलास ली हूँ। तो इसमें थोड़ा पानी रख लेना है।
इसका मैं पाक बना रही हूँ। पाक बन गई है, जब तक ये हो गई है इसको निकाल लेती हूँ। देखिए ये शक्कर पाले कितने अच्छा कलर आ गया है इसका। इसमें हम थोड़ा इलायची का पाउडर डाल देती हूँ। देखिए ये हो गई है एक तार का। इसको मैं बंद कर देती हूँ। शक्कर पाले को मैं ये पाक में डालने जा रही हूँ। तो इसी तरह मिला लेना है सारा को। ये पाक में मैं इसको तली थी, इसको मिला ले रही हूँ। हम मिला के निकाल लेना है। चूल्हा जला हुआ नहीं है, पाक हो गई थी तो मैं बंद कर दी थी, इसीलिए इसको मिला के मिक्स करके निकाल लेना है। किस तरह मिल गया है देखिए, हमारा शक्कर पाले तैयार हो गई है। इसी तरह आप लोग भी बनाइए, मैं जैसे बनाई हूँ इस तरह आप लोग भी बनाइए। बहुत अच्छा बनी है, देखिए सारा में ये पाक लग गई है। इस तरह बना के आप लोग कोई डब्बे में स्टोर करके रखिए, एयर टाइट डब्बे में, अपना जब मन करे निकाल के खाइए। मेरी तरह बनाइए। हमारा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफिज़।